हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सिस्टर। और आज के वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन में आज मैं डिस्कस करूंगी एलओसी मेथड, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन पॉइंट्स, राइट? तो क्योंकि यही दोनों इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन की हमें जरूरत क्या है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन, आप एस्टिमेट करने की बात हो रही है, मीन्स हम यहाँ पे गेस करना चाह रहे हैं। जैसे हमें यूजर ने अपना वो बता दिया, रिक्वायरमेंट बता दिया, ठीक है? तो उस रिक्वायरमेंट के बेसिस में वी ट्राई टू एस्टिमेट द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक? अच्छा, सॉफ्टवेयर की साइज को जान के हम क्या करेंगे, हमें सॉफ्टवेयर की साइज पता चल जाएगी तो हम उसमें समझ पाएंगे कि इसमें कितना कॉस्ट आएगा, कितना टाइम लगेगा, क्या एफर्ट लगेगा, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें कितने इंजीनियर्स को लगाना पड़ेगा, कितने डेवलपर, या मतलब जो कितनी मैन पावर हम यूज करेंगे। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर को साइज को एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? और सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन इज पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है? SPM का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इट हेल्प्स द प्रोजेक्ट मैनेजर टू फर्दर प्रेडिक्ट द एफर्ट एंड टाइम विच विल बी नीडेड टू बिल्ड द प्रोजेक्ट, ठीक है? इसे आप कह सकते हैं एफर्ट आप पता करेंगे, टाइम कितना लगेगा, और कहीं ना कहीं ये कॉस्ट को भी, आपका जो सॉफ्टवेयर का साइज होगा ये कॉस्ट को भी असर डालेगा, कॉस्ट पर भी, ठीक है? सो वेरियस मेजर्स आर यूज इन द प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन। कौन कौन से मेजर्स आप यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक एंड सबसे सिंपल है LOC, लाइन ऑफ कोड। सेकेंड है नंबर ऑफ एंटिटीज इन ER डायग्राम, एंड थर्ड वन इज टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन डिटेल डेटा फ्लो डायग्राम, एंड लास्ट वन इज फंक्शन पॉइंट। तो जो सबसे ज्यादा हम जिन पे फोकस करते हैं, दैट इज योर LOC एंड फंक्शन पॉइंट्स, ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे कि LOC क्या काम करता है, कैसे काम करता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शन पॉइंट्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, ठीक है? तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि LOC मीन्स लाइन ऑफ कोड, तो इसमें हम जो डेवलपर ने जो सॉफ्टवेयर बनाया होगा, या जो हमारा, हम कोशिश करेंगे ये जानने के कितने लाइन ऑफ कोड जो है आपके प्रोजेक्ट में है, ठीक है? जो भी सॉफ्टवेयर बन के आएगा उसमें कितने लाइन ऑफ कोड होंगे, ठीक है? सो अच्छा, क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड करते, तो यहाँ पे जो ब्लैंक लाइंस होती हैं, ब्लैंक लाइंस, ठीक है, एंड कमेंट्स को नहीं काउंट किया जाता, ठीक है? मतलब जिस लाइन पे कमेंट होगा, कमेंट वाली लाइन पे और ब्लैंक लाइन को हम नहीं काउंट करेंगे। बाकी सारा, चाहे जो डिक्लोरेशन हैं या फिर जो एक्चुअल कोड है, एक्चुअल कोड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लॉजिक एंड कंप्यूटेशन, मतलब सब कुछ ऐड करेगा ब्लैंक लाइंस और कमेंट्स के अलावा। और इसके लिए जो हमारे पास यूनिट्स हैं, LOC के यूनिट्स क्या क्या है, KLOC, ठीक है, मीन्स 1000 लाइन ऑफ कोड, NLOC नॉन कमेंट लाइन ऑफ कोड, KDSI 1000s ऑफ डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, तीन मेजर्स हो गए, तीन यूनिट हो गए, किसके, LOC के, ठीक है? और मैंने ये बता ही दिया, LOC काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सोर्स कोड इन अ प्रोजेक्ट। द साइज इज एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग इट विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सेम काइंड। तो यहाँ पे साइज कुछ तरह से एस्टिमेट करते हैं, मतलब इस तरह का जो पहले से सिस्टम बना हुआ है, जैसे आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो हम साइज को कैसे एस्टिमेट करेंगे, कोई ना कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो उसके कोड को देखते हुए हम एक एस्टिमेट निकालेंगे सॉफ्टवेयर की साइज का, फाइन? तो द एक्सपर्ट यूज इट टू प्रेडिक्ट द रिक्वायर्ड साइज ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देन एड देम टू गेट द टोटल साइज। तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ कोड, इसका थोड़ा सा और डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वी विल नॉट काउंट द कमेंट और ब्लैंक लाइन, ठीक है? सो आप बाकी उसके अलावा चाहे जो भी हो, अगर मैं एकदम सिंपल टर्म में कहूँ, तो जो भी आपने डिक्लरेशंस किए हैं, डिक्लरेशंस एंड इसके अलावा जो भी आपका एग्जीक्यूटेबल एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, वो सारा कुछ आप इसमें करेंगे, या फिर कह सकते हैं एक्चुअल कोड। और एक्चुअल कोड में क्या क्या चीजें आएंगी, आप यहाँ पे जो आपके लॉजिकल एंड कंप्यूटेशनल जो एलिमेंट्स हैं एक्चुअल कोड के, सबको काउंट करेंगे, ठीक है? सो LOC क्लियरली कंसिस्ट ऑफ ऑल लाइंस कंटेनिंग प्रोग्राम हेडर फाइल्स, ठीक है? हेडर को भी काउंट करना है, डिक्लेरेशन ऑफ एनी वेरिएबल एंड एग्जीक्यूटेबल एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, ओके? एज लाइन ऑफ कोड ओनली काउंट द प्रपोर्शन ऑफ कोड, यू कैन ओनली यूटिलाइज इट टू कंपेयर और एस्टिमेट द प्रोजेक्ट दैट यूटिलाइज द सेम लैंग्वेज एंड आर प्रोग्राम यूजिंग सेम कोडिंग स्टैंडर्ड। तो सबसे, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो, अगर आपको कंपेयर करना है, LOC
को मतलब इसको कंपेयर करना है, तो अगर सेम लैंग्वेज पे कोई सॉफ्टवेयर बना है तभी आप उसको कंपेयर करिए, क्योंकि जैसे जैसे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपके पास जो लाइन ऑफ कोड हो सकते हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जब हमें लाइन ऑफ कोड या जब हम सॉफ्टवेयर की साइज को एस्टिमेट करते हैं तो वी डू नॉट कंसिडर द कमेंट्स। ठीक है, हम कमेंट्स की बात नहीं करते, हम ब्लैंक लाइंस को नहीं काउंट करते। ठीक है, ऐसा क्यों? तो हम इसको प्रोजेक्ट में या जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो इसको ऐड ही क्यों करते हैं? ठीक है, तो ब्लैक नहीं है ये, ब्लैंक लाइन्स है। ठीक है, तो ब्लैंक लाइन, तो इसका जवाब ये है कि ब्लैंक लाइन्स तो थोड़ा सा हमारे पास, जब अगर हम प्रोग्राम को सॉफ्ट साफ सुथरा लिखेंगे तो आपके जो कोड की रीडेबिलिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, अब बहुत ज्यादा उसको कॉम्पैक्ट वे में या कंप्रेस करके लिख दिया जाएगा तो रीडेबिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए ब्लैंक लाइंस को तो ऐड करना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, कमेंट्स। कमेंट्स को क्यों ये ऐड करना है? सो दैट कि बाद में अगर कोई आपके कोड को समझना चाहे, मतलब जैसे हमने कोई फंक्शन लिख लिया और फंक्शन के साथ हमने साइड में कमेंट किया, दिस फंक्शन परफॉर्म द एडिशन, दिस फंक्शन परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन और समथिंग एल्स, मतलब इससे क्या होगा कि हमें मेंटेनेंस में हेल्प मिलेगी। जब हम मेंटेनेंस करने चलेंगे सॉफ्टवेयर का तब हमें इसका जो है फायदा मिलेगा कमेंट्स का ड्यूरिंग मेंटेनेंस। ठीक है, और दूसरा चीज, इससे जो हमारा कोड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि कोई नया पर्सन भी आके आपके कोड को देखेगा तो वो समझ पाएगा कि कहाँ से क्या काम हो रहा है। ओके, चलिए ये बात तो हमने कर ली कि जब हम ब्लैंक लाइंस एंड कमेंट्स को ऐड करेंगे तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा। भाई हम कह रहे हैं कि इससे हम रीडेबिलिटी को बढ़ाएंगे ब्लैंक लाइंस का यूज़ करके, और कमेंट्स हमारे कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के टाइम पे मतलब यूज़ हो जाएंगे या हेल्प करेंगे, और जब कोई नया पर्सन आएगा तो कोड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में कमेंट्स हेल्प करेंगे। बट हम इसको काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका जो डेवलपर है, डेवलपर्स इसका मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, ब्लैंक लाइंस या जो कमेंट्स हैं दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू एनी काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी। ठीक है, इनका फंक्शनैलिटी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इस वजह से हम इसको नहीं काउंट करते। और जो डेवलपर है हो सकता है ब्लैंक लाइंस एंड कमेंट्स को ढेर सारा बढ़ा दे, और जब अगर हम इसको काउंट करेंगे तो इससे क्या होगा कि अगर बिना ब्लैंक लाइंस एंड कमेंट्स के हमारे पास पता चला 50 लाइन ऑफ कोड आ रहा है, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, 50 लाइन्स का कोड है और कुछ ढेर सारे ब्लैंक और कमेंट्स को ऐड करके हमने उसे 200 या 100 बना दिया। ठीक है, और ये देखिए, जब अगर हम 50 के बेसिस पे कॉस्ट और एफर्ट को एस्टिमेट करेंगे तो अलग कॉस्ट आएगा, और 100 के बेसिस पे एस्टिमेशन करेंगे तो अलग कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो इससे तो जो यूजर है आपका, जो आपको प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए कह रहा है, उसका नुकसान हो सकता है, तो हम ब्लैंक लाइंस को नहीं ऐड करेंगे। मतलब एक पहला रीजन कि फंक्शनैलिटी में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, दूसरा रीजन कि जो डेवलपर्स हैं वो इसका मिसयूज कर सकते हैं ब्लैंक लाइंस और कमेंट्स को, जबरदस्ती ढेर सारे ऐड करके लाइन ऑफ कोड को बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल के पे कि किस तरह से हम लाइन ऑफ कोड को काउंट करेंगे। तो देखिए ये हमारा एक एग्जाम्पल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एग्जाम्पल है। अगर हम इसको काउंट करें तो देखिए ये लाइन क्या है, ये कमेंट है, तो हम इसको नहीं काउंट करेंगे। ब्लैंक लाइन्स ऐसा कुछ देखने ही नहीं है, तो हम काउंट करना शुरू करें 1, 2, डिक्लेरेशन वगैरह सब कुछ ऐड करेंगे, सिर्फ ब्लैंक लाइन और कमेंट को छोड़ देंगे। तो ये हुआ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल LOC हमारा क्या हो गया, ये हमारा इस प्रॉब्लम के लिए क्या हो गया, 12 हो गया। अच्छा, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपका जो ये लाइन ऑफ कोड है ये किस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए वेरी कर सकता है। जैसे हम एक स्टेटमेंट ये लिखते हैं, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 या 0 कर लेते हैं, आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस, ये करके हमने कहा प्रिंट आई, ऐसे कर दिया प्रिंट और आई, ऐसे कर दिया, मतलब हम कोई भी पैटर्न नहीं लेके चल रहे। एक तरीका ये हुआ फॉर लूप को लिखने का, कितने लाइन ऑफ कोड आया, यहाँ पे हमारा LOC बन रहा है 2। ठीक है, अच्छा यही चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ये कर दिया, और इसके बाद हमने ये एक ब्रेसेस लगाया, यहाँ पे लिखा हमने प्रिंट आई। ठीक है, तो ये हमने ये कर दिया। ठीक, अब इसमें जब हम लाइन ऑफ कोड को काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4, तो कितने लाइन का कोड हो गया, ये 4 का हो गया। ठीक है, तो डेवलपर के कोड लिखने के तरीके पे भी आपका जो लाइन ऑफ कोड है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम फायदे और नुकसान देख लेते हैं LOC मेथड के। सो इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज यूज इन मेनी मॉडल्स लाइक कोकोमो। ठीक है, एस्टिमेशन इज क्लोजर टू डेवलपर्स पर्सपेक्टिव, डेवलपर के हिसाब से ये जो है एस्टिमेशन
बहुत क्लोज होता है, मतलब सही होता है, एंड इट इज सिंपल टू यूज. ये हो गया हमारा बेनिफिट. एंड डिसएडवांटेज देख लीजिए. ये पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर सेम प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करें तो आपके लाइन ऑफ कोड वेरी करेंगे. ठीक. एंड नो प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एग्जिस्ट फॉर दिस टेक्निक. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको देके दिखाया. ठीक है. इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द साइज यूजिंग द टेक्निक इन अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट. ठीक है. तो ये हुआ हमारा LOC मेथड. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन पॉइंट का यूज करके, फंक्शन पॉइंट मेथड से कैसे हम साइज को एस्टिमेट करते हैं. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट द LOC मेथड. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.